नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री गुड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सामान्य विज्ञान पढ़ाएंगे और यह सामान्य विज्ञान का पार्ट वन है। हम आपको पार्ट टू पार्ट सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते रहेंगे। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई अदर सब्जेक्ट जितने भी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने हैं। यहाँ पे सिर्फ हम महत्वपूर्ण प्रश्न ही लेके आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हमने लिए हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फिजिक्स के हैं, तो आपको हम आज बताएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यह भी आपको पता चल जाएगा। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइंस्टीन के ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण में सी घोतक है, ध्वनि वेग का, प्रकाश वेग का, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का, एक स्थिरांक। तो यहाँ पे पूछ रहा है सी जो है प्रतीक किसका है, यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश वेग का, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जो ई होता है वो एनर्जी मतलब ऊर्जा का प्रतीक होता है और एम द्रव्यमान का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्राम, फर्मीमीटर। यहाँ पे जो लंबाई की न्यूनतम इकाई होगी वो हो जाएगा फर्मीमीटर, जिसका मान वही 10^-15 मीटर होता है, यही सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। बाकी सभी ये भी लंबाई के ही इकाइयाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, संवेग। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो प्रतिक्रिया हो जाएगा। यह न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम से लिया गया है जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। फिर एक कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरणें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृष्टिगोचर प्रकाश और रेडियो तरंगें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है रेडियो तरंगें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, 131 लीटर, 161 लीटर, 257 लीटर, 321 लीटर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 161 लीटर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो द्रव्यमान हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जो संवेग का सूत्र होता है देखेंगे आप, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अब यहाँ से निकल के आ जाएगा, जब हम संवेग और वेग के अनुपात को करेंगे तो इधर द्रव्यमान बना रहेगा, ये वेग जो है इधर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही निकल के आ जाएगा, द्रव्यमान बराबर संवेग बटे वेग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर द्रव्यमान ही होगा, ठीक है। अगला है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। जो भी यहाँ पे कण दे रखे हैं ये अगर एक साथ गतिज ऊर्जा करें मतलब साथ में चलें तो सबसे अधिक संवेग किसका होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, ड्यूरॉन। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अल्फा कण होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न ध्रुवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, पारा, जल, ईथर, बेंजीन। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा। फिर एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा, सदैव वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सदैव आभासी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस, सभी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस,
बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्ट उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है अवरक्त तरंग होगा। फिर बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका क्या रीजन होता है जो टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है? यह सुचालक है, सस्ती है, यह आघात वर्धनी है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ जो करेक्ट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसी के कारण जो है प्रिज्म में विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। अगला, लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच, फ्लिट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लिट कांच, बी ऑप्शन। फिर घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है, बी करेक्ट आंसर। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी है? ऊर्जा की, आवेग की, विभवांतर की, शक्ति की। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऊर्जा की, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, प्रकाश तीव्रता का, वायु का वेग। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो वायु का वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अवतल लेंस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपसे हम कहना चाहेंगे कि ये जो भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप इनको जो है अच्छे से याद कर लीजिए और इसी प्रकार से हम आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है या कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और इसके साथ साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिए हैं, अगर आपको जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत है वहाँ से आप उसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकरित होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है और इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो हम आपको इसको इसका आंसर बता देंगे, वहीं कमेंट बॉक्स में हम इसका आंसर लिख देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।